हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसका मतलब है कि हमें आज कंस्ट्रक्शन करना है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। अब क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें थोड़ी सी कंडीशंस है, जैसे 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हो तो हम क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं। उसके बाद 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स दिए हैं तो भी हम कर सकते हैं। ओके, मतलब अलग अलग तरीक़ों से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का, फाइन। उसके बाद 2 एडजेसेंट साइड्स, मतलब साथ साथ में जो साइड्स होती है वो, और 3 एंगल्स। ओके, मतलब 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स अगर दिए हैं तो हम कर सकते। उसके बाद 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, मतलब कि 3 साइड्स के अंदर जो एंगल्स आते हैं वो, ठीक है। देखो, ये सारे एडजेसेंट और वो सब तो हमने ना लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फिर 4 साइड्स एंड 1 एंगल, ठीक है। मतलब ऐसी 5 कंडीशंस है जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अब जब 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल दिया है तो हमें क्या है, थोड़ा सा एक रफ स्केच करना पड़ेगा, ताकि क्या रफ स्केच से हमें आइडिया आ जाए कि हमें क्या करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इज़ इक्वल टू 4.2, बी सी इज़ इक्वल टू 4.8, सी डी इज़ इक्वल टू 6.3, और ये सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है। अब जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डायगोनल करेंगे, और डायगोनल से फिर हम जो भी मेजरमेंट दिए हुए हैं उस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रफ स्केच दिखा देती हूँ पहले। जैसे ये बी डी है तो बी डी पहले मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब B के साथ A मुझे करना है, तो B के साथ जो A है और D के साथ जो A है उसका जो मेजरमेंट है वैसे आर्क करके मैं ऐसे ज्वाइन कर लूँगी, तो मुझे AB और AD मिल जाएगा। उसके बाद बचा क्या, C। तो मतलब BC जो है और DC जो है वो मैं कर लूँगी ताकि मुझे ये मिल जाए, ठीक है बच्चों। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगर और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। अगर मैं बोलूँ कि सेंटर बी, तो मतलब ये जो है नीडल वाला पोर्शन वो आपको वो सेंटर बी में, मतलब बी में रखना है और कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले तो बी डी ले लेंगे। बी डी हम ड्रॉ करेंगे 6.7, तो पहले इसको 6.7 करके ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो, आपको है ना बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा ये सारी कंस्ट्रक्शन में मेजरमेंट, और मतलब 6.7 मतलब 7 फिर 8 ना हो जाए वो देखना है। अब आप देखिए, अब ए के बी डी किया, ठीक है। अब देखिए, अब बी, अब हमें एक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर बी के साथ ए देखो तो 4.2 है, और बी के साथ आप डी देखो तो 6.3 है, और सी देखो तो 4.8 है। अब डी वाला तो हमने कर दिया, अब बचा क्या हमारे पास, ए बी और बी सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे और हम लेंगे 4.8। उसके बाद हम करेंगे सेम वे, इसे मेजर करेंगे दूसरा। अब डी के साथ ले लेंगे, डी के साथ हम क्या लेंगे, अब डी ए लेंगे, तो डी ए हमने लिया, आर्क किया, ये छोटा थोड़ा है तो इसको हम करेंगे इस तरीके से, करना है कि दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो। अब ये जॉइन कर लेंगे हम बी और डी के साथ, इस तरीके से हम जॉइन करेंगे ये बी के साथ और ये डी के साथ, ये वाला तो ये हमारा हो गया ए। ओके, सो ए बी हमारा जो है वो 4.2 है, हमारा ए डी जो है वो 3.1 है, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, सी। तो बी के साथ सी और डी के साथ सी वो देख लेंगे, मतलब कि बी सी और डी सी। ओके, सो बी सी क्या है हमारा 4.8, ये मैंने ऐसे मेजर किया, मेजर करके सेंटर करो बी को और फिर से ऐसे आर्क करो, हाँ थोड़ा सा लंबा करना ताकि वो इंटरसेक्शन हो जाए। उसके बाद सी डी करो जो है 6.3,
ये थ्री पॉइंट के बाद का जो नंबर है ना वो करीबन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉइंट थ्री की जगह पे पॉइंट फोर ना हो, ये मुझे थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा ताकि इंटरसेक्शन हो जाए। ओके ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, जॉइन कर लूँगी इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है। तो पहले मैं बी के साथ उसको जॉइन कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं डी के साथ उसको जॉइन कर लूँगी, ठीक है। तो ये मुझे सी डी और बी सी दोनों मिल गया। सो ये तो बहुत ही इजी है। जब फोर साइड्स और डायगनल दिए हुए हैं तो कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही है, फोर साइड्स दिए हुए हैं और डायगनल दिया हुआ है और आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम नेक्स्ट सम में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, आर एस और पी एस दोनों 6.5 सेंटीमीटर है और पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक रफ स्केच बना देते, वैसे तो स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा लेकिन फिर भी हमें तो रफ स्केच ही बनाते तो ताकि आइडिया आ जाए। पी आर यहाँ पे डायगनल, ये देखो रफ स्केच बनाओगे ना तो उसमें से पता चलेगा कि डायगनल कौन सा है, ठीक है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट पता नहीं चलता है डायगनल कौन सा है, तो एक बार ऐसे स्केच बना लेने का और उसके बाद कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। सो ये पी आर क्या है, हमारा डायगनल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, डायगनल ड्रॉ करेंगे। ओके तो ये पी आर हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले जैसे ही हम करेंगे, जैसे पी है, ठीक है, तो पी के साथ हम पहले जो इक्वल है पी एस है, आर एस और पी एस दोनों कर लेते हैं, मतलब कि एस हम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो दोनों क्या है, 6.5 6.5 है, तो एक कट यहाँ पे लगेगा और आर को सेंटर करके 6.5 वहाँ पे करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या आया, एस। अब इसको हम क्या करेंगे, जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। बच्चों होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए। अब बचा क्या, अब मेरे पास बचा है पी क्यू, अब क्यू बचा है, ठीक है। तो पी क्यू और क्यू आर वो दोनों करेंगे, तो एक है 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करो कि दोनों आर क्या इंटरसेक्ट हो जाए, तो इस तरीके से ये इंटरसेक्ट हो गया। और ये आर भी यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट हो गया, ओके। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा Q है। अब इसको मैं ऐसे जॉइन कर लूँगी पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। दिख रहा है ना बड़ा क्यू आर 7.5, ओके। थोड़ा बहुत तो देखने के बाद भी पता चल जाता है, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई चेकिंग करता है तो बस यही करता है कि भाई क्यू आर 7.5 देखने से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में हमें स्टार कंस्ट्रक्ट करना है, उसके सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। एक रफ स्केच कर लेते हैं हम, एस टी ए आर, ठीक है। एस टी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एस आर दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद टी ए दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ए आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और डायगनल मेरा दिया हुआ है टी आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली रफ स्केच क्यों करना है, ताकि आपको पता चले कि डायगनल कौन सा है। अब हम पहले डायगनल कर देते हैं, टी आर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। इस तरीके से ये मेरा क्या आया, टी आर, फाइन। अब मैं टी और आर के साथ जो पॉइंट है वो मैं कर लूँगी। पहले मैं करूँगी एस टी है, ठीक है, और आर के साथ है एस आर, तो 4.5 टी ए, ठीक है। उसके बाद आर ए वो 4 सेंटीमीटर है, देन दूसरा 3.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम चारों हम कर लेंगे, सारे डायमेंशंस कर लेंगे और बाद में साथ में जोड़ लेंगे,
ताकि हमें सारे मिल जाए। देखिए इसके अंदर है ना 0.5 तो 0.5, 0.6 तो 0.6, मैं बार बार से बारी बारी से मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो डाइमेंशंस है उसका ध्यान रखना ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, वरना तो क्या कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक होना तो वो दिखाई देती है, ठीक है। तो मतलब पूरा आपको लगेगा कि पूरा आपने किया है लेकिन डायमेंशन में थोड़ा सा गलती हो गई है, तो उसके भी मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्क कर दिया मैंने, अब हम इसको कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे। ये ए हुआ इधर, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जो भी शेप आए, हमें क्या, हमें तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, ठीक है। डायमेंशन उन लोगों ने दिए, अगर शेप ऐसा वैसा आ रहा है तो इस पर हम क्या करें, है ना। सो उसका मतलब शेप का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पे जो है सो है, जो डायमेंशन है वही डायमेंशन से करो कंस्ट्रक्शन। एक बार दो बार प्रैक्टिस करना ताकि आ जाएगा, राउंडर अच्छे से यूज़ करना। सो यहाँ पे ये हमारा स्टार जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 4, यहाँ पे हमें माइंड कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे दिए हुए सारे। पहले एक रफ स्केच कर लेते हैं, एम आई एन डी, ठीक है। एम आई क्या है मेरा 3.5, आई एन क्या है 4.6 सेंटीमीटर, एन डी क्या है 5.2 सेंटीमीटर और डी ए मेरा क्या है 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरा डायगनल यहाँ पे दिया हुआ है एम एन जो है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे पहले डायगनल। ये याद रखना है कि अगर 4 साइड्स और डायगनल दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। यहाँ पे हमें क्या है, आईडी का मेजरमेंट भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एम आई है, तो एम आई सारे कर लो, एम आई आई एन जो हमने सेंटर है, एम को सेंटर डाल के सारे आर्क कर लो, जैसे एम आई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एन है तो आई एन है 4.6 सेंटीमीटर। सो उस तरीके से सारे आर्क कर लो, उसको जोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद फिर आईडी को भी कर लो जॉइंट और फिर उसको मेजर कर लो, ठीक है। चलिए सो ये मैंने एक आर्क किया, अब ये दूसरा मैं कर रही हूँ यहाँ पे आर्क, ठीक है। अब ये हुआ डी, ठीक है। तो एम डी और एन डी मेरा हो गया। अब इसको अब नीचे कर लेंगे हम, एम सेंटर को लेके एम आई, एम आई है मेरा 3.5 सेंटीमीटर तो उसका आर्क, फिर आई एन है मेरा 4.6 सेंटीमीटर तो मेजर कर लेंगे स्केल में और फिर सेंटर लेंगे एन और उसका आर्क, दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए और हो गए, ये मेरा आई है, ठीक है। अब इसको जॉइन कर लो सारे पॉइंट्स को, जैसे ये एम डी जॉइन किया, उसके बाद डी एन जॉइन कर लिया, उसके बाद ये एन आई जॉइन कर लिया, ठीक है, और ये एम आई जॉइन कर लिया। अब सारे डायमेंशंस लिख दो जो जो हमने मेजर किए, वैसे जैसे मैंने बोला लेबलिंग नहीं बोलना है, ठीक है, लेबलिंग करना है। ये सारी चीज़ों के क्या है, छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि आप तो सब करके आए हो लेकिन लेबलिंग नहीं किया है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये आईडी करना है, आईडी मैंने ज्वाइन किया, अब मैं उसको मेजर करती हूँ, ओके। तो ये मेजर किया मैंने, ठीक है, तो ये मेजर किया तो आईडी मेरा आया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका क्या आता है वो कमेंट में लिखिएगा तो मुझे भी पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।